What is up people, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूडी विशाल। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है विशाल, और अगर आप मुझे जानते हैं तो शुक्रिया मेरे वीडियो पे दोबारा आने के लिए। हमारे साथ हैं इस टाइम जेएसबी ब्लॉग्स, नाम है इनका जतिन, और ये आज हमें एक ऐसी दुकान पे लेके आए हैं पकौड़े की, जो एक नंबर फरीदाबाद में एक नंबर की मार्केट में है और करीब करीब 70 साल पुरानी दुकान है। तो चलिए चलते हैं इनके पकौड़े की दुकान पे और देखते हैं इनके पकौड़े हैं कैसे। चलो लेट्स गो। अभी हम आ गए हैं पदम पकोड़े वाले, सिंस 1953 फेमस शॉप है बहुत ही यहाँ पे, ये एक नंबर में। और लोकेशन मैं आपको समझा दूं एक बार, ये हमारे सामने कल्याण सिंह चौक, और इनकी एक और ब्रांच है एक नंबर की मेन मार्केट में पदम पकोड़े के नाम से ही। और मिलते हैं यहाँ पे बहुत वैरायटी के पकोड़े देख सकते हैं। तो चलिए अंदर चल के बात ही करते हैं और सीधा आपको दिखाते हैं, ये इनकी शॉप है। अंदर बैठने की सिटिंग एरिया भी है बहुत बढ़िया। नमस्कार भैया, क्या हाल है? नमस्ते सर, बढ़िया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सौरभ भाटिया है। अच्छा, मैं ओनर हूँ इस शॉप का। तो अपनी शॉप के बारे में कुछ बताओ, हमने सुना है बहुत ही फेमस शॉप है ये। सर ये मतलब दिल्ली एनसीआर में एक बहुत फेमस शॉप है पदम पकौड़े वाले। पदम पकौड़े हमारी शॉप है, बहुत बढ़िया। 69 ईयर्स हो गए सिंस 1953। अच्छा, दादाजी का बिजनेस है जो डेवलप कर रहे हैं आगे। दादाजी करते थे 1953 में, वो बहुत पुरानी बात हो गई है, तो उसी को आगे डेवलप कर रहे हैं। मतलब हमने इस बिजनेस तो पहले फादर बैठते थे आपके दादाजी के पास, फादर अभी भी हैं, उनकी दूसरी ब्रांच है। अच्छा, फादर दूसरी ब्रांच पे आ गए, वो NIT 1 मार्केट में है। ओके, और ये सेकंड ब्रांच अब हमने खोली है। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने कैसे सोचा पकौड़े के बिजनेस में आने का? सर बस वैसे ही थोड़ा सा ये सोचा कि अपना फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। बिजनेस में तो सुनते ही हैं सबसे कि ये हो रहा है। आजकल मोदी जी ने भी बहुत चर्चा कर रखी है पकोड़े का बिजनेस, तो वैसे आप मोदी जी की तो बात ही मतलब जो राय देते हैं वो एक अच्छी राय होती है। मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन बिजनेस इंजीनियरिंग भी कर रखी है। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर रखी है, बहुत बढ़िया। तो साथ में अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात है। तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती कि नौकरी ढूंढने से बढ़िया अपना काम। बिल्कुल सर, अपना काम बेस्ट है, जब जो चीज़ नाम चला हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जबकि दूसरे काम में घुसूंगा पहले मेरे को उसमें पूरा सही बात ना, वो 100% बिल्कुल बहुत बढ़िया, वो भी सक्सेस पॉइंट है या नहीं है कुछ नहीं पता। तो चलो जी एक बार इनके पकौड़े देख लेते हैं कैसे कैसे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। और बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने इनको कवर किया हुआ है, जागरण देखिए, फरीदाबाद जागरण ने, जागरण सिटी, और कटिंग यहाँ पे लगी हुई है हेडलाइंस की। देखो बड़े मशहूर हैं पदम के पकौड़े, बहुत बढ़िया। और ये आपके फादर हैं? ये दूसरी वाली ब्रांच पे बैठते हैं इनके फादर, और ये दादाजी जिन्होंने शुरू किया था बिजनेस। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे पकौड़े ही पकौड़े नजर आ रहे हैं ये जैसे। तो ये बताएंगे ये किसका है? ये सर आलू गोभी के पकौड़े हैं। ये आलू गोभी के हैं, वेजिटेबल्स होती है हमारी। ये दाल के हो गए, ये दाल के हैं, ये पालक प्याज हो गया। अच्छा, ये पालक प्याज के पकौड़े हैं, बहुत बढ़िया। ये आपका सर मिर्ची प्याज हो गया। मिर्ची प्याज, मिर्ची में प्याज कैसे? मिर्ची और अलग प्याज, दोनों अलग अलग। अच्छा, अलग अलग है मिर्ची और प्याज के। ये हो गए आपके सोया चाप। अच्छा, चाप के पकौड़े भी हैं। ये पनीर के हो गए। ये देखो चाप के पकौड़े, जो कि मेरे ख्याल फरीदाबाद में शायद कहीं नहीं मिलते होंगे। नहीं, बहुत बढ़िया। चाप के पकोड़े भी हैं सर। ये हैं अपने पनीर के पकोड़े, आलू स्टफ ब्रेड हो गई, और ये ब्रेड पकोड़ा जिसे बोलते हैं। तो ये अपने ब्रेड पकोड़ा पूरी है। तो किस हिसाब से देते हो आप, क्या प्राइसिंग है इसकी? प्राइसिंग सर मिक्स वाले अपना 200 रुपए किलो है। मिक्स ले लो सारे करा के तो 200 रुपए किलो, और पनीर वाले 300 रुपए किलो है। पनीर वाले 300, ओके, बहुत बढ़िया। मिला के लोगे तो 250 रुपए किलो है। अच्छा, और ब्रेड पकोड़ा कितने का है? पकोड़ा 20 रुपीज का पर पीस है। 20 रुपीज पर पीस है। और ऑनलाइन भी है सर हमारा, जोमेटो स्विगी से भी टाइप है। जोमेटो और स्विगी से भी टाइप है, उससे बहुत अच्छा हमारा रिस्पांस है, उससे भी बुकिंग आती है। चलो बहुत बढ़िया। तो बारिशों के मौसम में तो वहाँ से भी मंगवा सकते हैं सर, एक घंटे की कम से कम। तो फरीदाबाद वालों को बोलना चाहूंगा पदम पकौड़े मैंने आपको बता दिया है,
बारिश जैसे ही आए ऑर्डर कर देना स्विगी और जोमेटो से और दवादत चाय पकौड़े खाइए। तो एक बार हम भी टेस्ट करते हैं जरा और आपको भी बताएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे ना पकौड़े ऐसे नहीं है कि मतलब पड़े हुए हैं सुबह से, यहाँ बनते जाते हैं और फ्रेश पकौड़े निकलते हैं। ये देखो भैया अभी फ्रेश बेसन लगा रहे हैं और कोई कलर वगैरह कुछ नहीं डालते इसमें। और ये अपने आलू गोभी बैगन भी है, बहुत बढ़िया। तो पकौड़े की वैरायटी बहुत है और फ्रेश पकौड़े बन रहे हैं एकदम। तो हम एक एक पकौड़ा सारे डलवा रहे हैं और टेस्ट करेंगे कैसे कैसे हैं। तो भैया पकौड़े डालो। ये देखो चटनी बहुत ही बढ़िया लग रही है और कोई कलर नहीं मिला है इसमें। किस चीज की चटनी है सर? हमारी अमरूद से बनती है। अमरूद? बिल्कुल। अरे बाप रे, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। इसमें सर अमरूद होता है और क्या कहते हैं पालक धनिया, मतलब बहुत सारे मिश्रण डलते हैं इसके अंदर। अमरूद और पालक हो गया, पालक हो गया, धनिया हो गया। अच्छा, तो अमरूद जब नहीं आता तब क्या करते हो? सर आता है एवरी सीजन, मिल जाता है, हमें ढूंढना पड़ता है क्योंकि टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा। और सर इसमें होममेड मसाले डलते हैं, मतलब बाहर का कोई मसाला यूज नहीं, अपने मसाले। आप इनको खाओगे तो आपके जैसे जो चेस्ट में जो होता है जलन वगैरह कटिंग होती है तो वो नहीं हो, बर्निंग नहीं होगी आपकी अमरूद के। बिल्कुल, आप इसको पी भी सकते हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्पाइसी है या अच्छा आपकी चेस्ट में बर्निंग हो रही है। ये बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे। खाते नहीं है, पीते हैं सर। पीते हैं, दो दो कटोरी पी जाते हैं सर। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे, अमरूद की चटनी पहली बार सुन रहा हूँ मैं। और इसको भी टेस्ट करेंगे, स्पेशलिटी है ये तो यहाँ की। ये हमारे सीख रहे हैं पकौड़े, होए होए होए, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी होगा। और ये भैया बना रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? रवि नाम है। और कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हो आप? 10 साल से। 10 साल से कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पकौड़े। और पकौड़ों में तो एक्सपर्ट हो गए हो क्या? तो ये हमारे पकौड़े सीख के आ चुके हैं और इन्हें टेस्ट करते हैं एक बार। चटनी देखो, ये है, ये डल गया चाट मसाला, बहुत बढ़िया। अजवाइन मसाला, अजवाइन मसाला है ये सारा सर, डिफरेंट है ये चाट मसाला जो हम यूज नहीं करते। अच्छा, जो बाकी लोग यूज करते हैं चाट मसाला नहीं है अपना, अजवाइन होता है और एक दो मसाले घर पे ही पीसते हैं सर अपने। अच्छा अच्छा, बहुत बाहर का कोई मसाला नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये डल गया अपने पकौड़े प्लेट में। चटनी देखो, चटनी का कलर भी बहुत अच्छा है, जबरदस्त। तो ये हमारी प्लेट हो गई रेडी। ये है गोभी का पकोड़ा और ये अमरूद की चटनी के साथ एक बार ट्राई करते हैं। बहुत जोरदार, बहुत क्रिस्पी है, मतलब अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। और जो चटनी है एकदम डिफरेंट चटनी है, और चटनी मतलब आप खा के बता नहीं पाओगे अमरूद की चटनी है, लेकिन बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। ये है मिर्च का पकौड़ा, इसमें स्टफिंग भी रहती है भैया? इसके अंदर मसाले की स्टफिंग होती है, मसाले वगैरह रहते हैं, चटपटा होता है, चटपटे स्पाइस नहीं है, चटपटा है। मिर्च खाते हैं एक बार। बहुत ही मजेदार है ये मसाले जो है, चटपटा फ्लेवर दे रहे हैं एकदम, और मजा सा आ गया आगे, जबरदस्त। मिर्च का बहुत बढ़िया लगा, अब लेते हैं हम चाप का पकौड़ा। ये है चाप का पकौड़ा और जो शायद फरीदाबाद में कहीं नहीं मिलेगा। लवली, ये देखो प्याज का पकौड़ा है और एकदम गोल है, इसके अंदर स्टफिंग हो रखी है, तो वो देखते हैं एक बार। तोड़ के होए होए होए, ये तो कुछ अलग ही चीज है, प्याज के अंदर मसाला भरा हुआ है, मतलब बहुत बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी है पकौड़ों की, बहुत बढ़िया। ऐसे पकौड़े मैंने पहले कहीं नहीं खाए। और ये है पनीर का, तो पनीर का भी ट्राई कर ही लेते हैं। सॉफ्ट है पनीर, अंदर से एकदम सॉफ्ट पनीर और बाहर से क्रिस्पी, मजा आ गया। तो पकौड़े हमने खा लिए और बहुत ही बढ़िया पकौड़े थे। शुक्रिया भैया पकौड़े खिलाने के लिए, बहुत ही मजेदार पकौड़े थे और
भैया से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पैसे ले लो, भैया हमसे पैसे नहीं ले रहे हैं, तो ये भैया का बड़प्पा ना, लेकिन आप लोगों से ले लेंगे, आप ये मत सोचना। तो चलो मज़ा आ गया पकौड़े खा के, और इसी साथ वीडियो को एंड करते हैं। शुक्रिया।